बॉलीवुड में काम करने वाली कई एक्ट्रेस हुई जिन्होंने अपनी रोमांटिक अदाओं से लोगों के दिलों पर छुरियां चलाई हैं, जिनकी वजह से थिएटर की सीट हाउसफुल हो जाया करती थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं एक्ट्रेस की हॉट अदाओं से रूबरू करवाने वाले। माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड की दग दग गर्ल माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने 90s के दौर में लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। और जहां माधुरी ने एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में ऑन स्क्रीन रोमांस किया है, वहीं वो 1997 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बत में नजर आई थी, जिसका अफेयर विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ था, जिसमें माधुरी की जोड़ी कमाल की लग रही थी। जिस वक्त माधुरी विनोद खन्ना के साथ फिल्म में रोमांस कर रही थी, उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थी और विनोद 42 साल के थे, मगर फिर भी इन दोनों की केमिस्ट्री कमाल धमाल की थी। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को उनकी खूबसूरती की वजह से कई प्रपोजल मिल चुके हैं, पर उन्हें अक्सर ऐसे कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जाता था जिनमें उन्हें और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग दिखने की जरूरत होती थी। हेमा मालिनी ने फिल्म सपनों के सौदागर में राज कपूर के साथ भर भर के रोमांस किया था और उनकी इन्हीं अदाओं ने उन्हें एक फेमस एक्ट्रेस बना दिया। इस फिल्म में हेमा का राज कपूर से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद राज कपूर हेमा को मनाते हैं और प्यार परवान चढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी, दोस्तों श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा हमें याद रहेंगी। और जैसा कि आप लोगों के साथ मुझे भी पता है कि श्रीदेवी भी अपने टाइम की उम्दा एक्ट्रेस में से एक थी और शायद इसलिए उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार माना जाता है। श्रीदेवी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ फिल्म नाकबंदी में धुआंधार रोमांस किया है। इसके अलावा वो सनी के साथ फिल्म राम अवतार और चालबाज जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अपने रोमांस का तड़का खूब लगाया है। जया पर्दा को तो आप सभी जानते होंगे, जो लोग उस दौर के हैं जया उनके दिलों की धड़कन जरूर रही होगी। जया अपने दौर की सबसे अट्रैक्टिव एक्ट्रेस कही जाती थी, उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्में भी दी हैं, इसलिए इस लिस्ट में एक खूबसूरत अभिनेत्री भी शामिल है। धर्मेंद्र के साथ फिल्म गंगा तेरे देश में, शहजादे और फरिश्ते जैसी हिट फिल्मों के साथ इन्होंने काम कर चुके हैं। जया का हिंदी फिल्म एक्टिंग में एक लंबा और सफल करियर रहा है। उन्होंने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ वीरता और जबरदस्त जैसी फिल्मों में भी अहम किरदार निभाया है। डिंपल कपाड़िया, एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी उन अदाकारों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड के बाप बेटे के साथ ऑन स्क्रीन भरपूर रोमांस किया है, जिसकी वजह से कुछ बाप बेटे के बीच झगड़ा तो हो चुका है। डिंपल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म बॉबी से की थी। तब से उन्होंने पिता पुत्र की जोड़ी अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के साथ काम किया। अब डिंपल का मामला यही नहीं थमा, उन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल के साथ भी कई फिल्मों में न सिर्फ काम किया बल्कि जोरदार रोमांस भी किया, जो कि 1984 की फिल्म मंजिल थी। अमृता सिंह, अभिनेता सनी देओल की पहली फिल्म बेताब में अमृता सिंह उनकी प्रेमिका के किरदार में नजर आई थी, लेकिन आगे चलकर उन्हें सनी के पिता धर्मेंद्र की प्रेमिका बनने का भी मौका मिला। फिल्म सच्चाई की ताकत में अमृता ने धर्मेंद्र की हीरोइन का किरदार निभाया था। कभी सैफ की पत्नी रही अमृता सिंह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान की माँ है और इन्होंने अपने समय में एंग्री मैन अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। उस समय इनके कई एक्टर्स के साथ अफेयर की खबरें सामने आई थी, लेकिन इन्होंने सैफ से काफी विवादों के बीच शादी कर ली। ये बात दूसरी है कि अमृता ने बाद में सैफ से तलाक ले लिया और आज भी उनसे अलग रह रही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।